सेम के निदान केंद्र के तत्वाधान में दिव्यांगत पुनर्वास एवं कौशल विकास के तहत समाज में जागरूकता पैदा करने के लिए सिटी मॉल से पंत पार्क तक मानव श्रृंखला बनाकर समाज के सभी वर्गों को जागरूक करने का काम किया गया। कार्यक्रम में महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं के अलावा डेफ वेलफेयर सोसाइटी के श्रवण भाटित दिव्यांगजन, सीआरसी गोरखपुर के छात्र छात्राएं तथा उनके अभिभावकों ने प्रतिभाग किया तथा मानव श्रृंखला के माध्यम से अपने संदेश से समाज को जागरूक किया तथा पंत पार्क में एसपी ट्रैफिक ने भी मौजूद लोगों स्वस्थ रहने तथा मानसिक रोगों से बचाव के लिए जानकारी दी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीआरसी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर साहब हैदर तथा एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने कहा। इंटरव्यू दिया था तो मेरे जूते का नीचे का तल्ला फटा हुआ था, बात समझ में आई? मेरा जो जूता था नीचे का, जब मैं इंटरव्यू बोर्ड में गया था वो नीचे का तल्ला, क्योंकि वो कोई खराब बात नहीं है। बहुत से लोग जो है अपना जूता छुपाए हुए घूमते हैं, मेरा जूता फटा हुआ है। बहुत से लोग अपना कपड़ा फटा हुआ छुपा हुए घूमते हैं कि मेरा कपड़ा फटा कोई देख ना ले। अभाव क्या होता है, आपको खाना पीना मिल रहा है, माता पिता का दायित्व यही खाना पीना खिलाना, उसके बाद आप जो है अपने कंपटीशन की तैयारी करिए। जितनी किताबें आपके पास सफिशियंट है, बस व्हाट्सएप और फेसबुक देखना बंद कर दीजिए। अगर आप अपना समय जो है व्हाट्सएप फेसबुक वाला डाइवर्ट कर दोगे, क्योंकि वो समय आप दूसरों से अपनी तुलना मत करिए। ज्यादा समय हो जाए बता देना मुझको, ठीक है? तो मैं बोलने को 2-3 घंटे बोल जाऊंगा। तो आप दूसरों से अपनी मेरे व्यक्तित्व को देख रहे हैं, इसी प्रकार से आप लोग भी किसी भी प्रकार से अपने दिल में हीन भावना मत रखिए, और अवसाद का तो मतलब ही नहीं। डॉक्टर सबा हैदर हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर क्लिनिकल साइकोलॉजी सीआरसी गोरखपुर में। सीआरसी गोरखपुर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ वीक ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसके तहत आज का 5वें दिन का प्रोग्राम है, जिसमें बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए हम इनको ह्यूमन चेन के फॉर्म में बना रहे हैं। और इसका यही ऑब्जेक्टिव है कि समाज में मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक रोग और सुइसाइड प्रिवेंशन के रिगार्डिंग अवेयरनेस बढ़े। सीआरसी द्वारा जो है विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह मनाया जा रहा है, तो उसी में ही इन लोगों का एक पहल थी। आज एक नुक्कड़ नाटक इनके द्वारा किया गया, एक मानव श्रृंखला बनाई गई, उसके बाद में पंत पार्क में बच्चों को संबोधित किया गया, तो उसी में मैं भी जो है शामिल हुआ, और मेरे द्वारा भी बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए संदेश दिया गया और उनको तरीके बताए। सर कितने दिन चले गए कार्यक्रम? अब ये 24 तारीख तक शायद बता रहे हैं मुझको चले गए, एक सप्ताह का है उनका। अब सप्ताह का है तो कब तक चलेगा, टाइम टेबल मेरे पास में नहीं है, तो जैसा है जब मेरी आवश्यकता पड़ेगी मैं उपलब्ध हूँगा उनके लिए।